Hello students, this is CA Mohit Agarwal from Calcutta. So, jitne bhi mere students hain, sab mere ko tag kar rahe hain, social media mein, WhatsApp mein, petition sign karwa rahe hain, aur mera opinion jana cha rahe hain. Mera opinion, jin log mere ko follow karte hain, unko already pata hi hai, jab maine institute ka, jo November 18 ka unhone RTP issue kiya tha, usme jump karke jo mistakes tha, मैंने वो 15-20 मिनट का वीडियो बना करके डाला था कि आपने आरटीपी इशू कर दिया और ये सब मिस्टेक्स है जिसका अभी तक कोई जवाब इंस्टीट्यूट ने दिया नहीं है. मेल भी किया गया था बट दे हैव नॉट रिप्लाइड एट ऑल. ये रिवीजन टेस्ट पेपर्स बच्चे रिवीजन के लिए करते हैं और आप जो बच्चा सही भी पढ़ा होगा आप उसका रिविजन टेस्ट पेपर में जो है उसको गलत रिविजन करवा करके एग्जाम में फेल करवा देंगे. खैर वो आरटीपी का जो करेक्शन वाला वीडियो डाला हुआ यूट्यूब में आप लोग देख सकते हैं क्या क्या गलती हुआ था. अब सिस्टम में दिक्कत तो है. इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया वर्ल्ड का सेकेंड लार्जेस्ट अकाउंटिंग बॉडी होने के बावजूद भी सिस्टम में दिक्कत तो है और यह मैं तथ्यों के आधार पर प्रूफ कर दूंगा कि हाँ दिक्कत है. आइए ये है मैंने आपके सामने खोला है गैजेट ऑफ इंडिया ठीक है भारत का राजपत्र जिसमें इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया अपना पूरा फाइनेंशियल ईयर का लेखा जोखा यहां पर दे रखा है जो गैजेट में छपा गया है तो इसको कोई डिनाई नहीं कर सकता है इसका वैलिडिटी के ऊपर. अब जब हम लोग जाते हैं इसमें थोड़ा और नीचे तो देखिए आपको साफ दिखाई देगा कि क्या हो रहा है. देखिएगा दोस्तों पेज 143 या गॉट इट. इन्होंने डिटेल दे रखा है स्टूडेंट्स रजिस्टर्ड का ठीक है बढ़िया बात है. पूरा स्टूडेंट्स रजिस्टर्ड फ्रॉम 31 मार्च 2010 कि किस फाइनेंशियल ईयर में कितना स्टूडेंट्स का रजिस्ट्रेशन हुआ. ये 9-10 ये 10-11 ये 11-12 ठीक है ये 12-13 कितने साल हुए दोस्तों 4 साल फिर रिमेनिंग 4 साल. अब आपको देखिए मजा का बात तो पिछले 8 साल में स्टूडेंट रजिस्टर्ड हुए हैं 2,77,226, 282, 296, 311 लगातार बढ़ रहे हैं. इसको बोलते हैं इंक्रीजिंग ट्रेंड. सब कुछ सही जा रहा था फिर 3,11,000 से 293, 245, 236, 218 इसको बोलते हैं डिक्रीजिंग ट्रेंड. तो पिछले 4 साल का डेटा और उसके बाद वाले 4 साल का डेटा साफ सजेस्ट कर रहा है कुछ तो गड़बड़ है इंस्टीट्यूट में. डेटास डोंट लाई बिकॉज एज फॉर आईसीआई स्टूडेंट का नंबर डजंट लाई तो वैसे ही आप लोग का भी डेटा डजंट लाई ठीक है. 4 साल हो गए हैं लगातार नंबर ऑफ स्टूडेंट्स रजिस्टरिंग इन सीए कोर्स गोइंग डाउन ऑल ओवर इंडिया तो कुछ तो गड़बड़ है. यह था ट्रेंड रिवर्सल. ये जो साल था ना यह ट्रेंड रिवर्सल था यहीं से चालू हो गया था. फाइनेंशियल ईयर 12-13 से ही जो है ना आपका पतन जो है ना वो स्टार्ट हो चुका था बट अभी भी आप सो रहे हो एंड यू आर इग्नोरेंट एंड यू आर एरोगेंट. हम लोग मेल करते हैं आपका मेल का कोई जवाब नहीं आता. स्टूडेंट मेल करते हैं या तो जवाब इग्नोर कर दिया जाता है या सिस्टम जनरेटेड आप जवाब देते हैं या फिर बोलते हैं कि क्वेश्चन मत पूछो. फीस किसको दिए जवाबदेही है आप. सो दिस इज अ ट्रेंड रिवर्सल. अब ऐसा क्यों हो रहा है क्यों हो रहा है व्हाई इज अ ट्रेंड रिवर्सिंग. क्या कोर्स बहुत टफ है? बिल्कुल नहीं बिल्कुल भी नहीं. बच्चे एंजॉय करके पढ़ते हैं फाइनल लेवल तक. टफनेस का कोई बात ही नहीं है. कोई सबको पता है किसी ये कोर्स टफ है ये सब सोच करके ही आता है. टफनेस से कोई नहीं डर रहा. आप टफ से टफ क्वेश्चन पेपर सेट करिए सही पेपर सेट करिए. आपने जो इंटर लॉ का पेपर सेट किया था उसमें 2 नंबर का क्वेश्चन गलत दे दिया था तो अगेन क्वेश्चन पेपर गलत. आप बोलते हैं बच्चों को अच्छा स्टूडेंट फेवरेट पंचिंग बैग जो इंस्टीट्यूट का रहता है ना वो स्टूडेंट्स रहता है.
आजकल का स्टूडेंट जो है ना वो पढ़ना लिखना नहीं चाहता, आजकल का आर्टिकल जो है ना वो काम करना नहीं चाहता, उन लोग डमी ढूंढते हैं। ये गलत है। कोई भी स्टूडेंट से आप पूछ लीजिए, 100 में से 99 स्टूडेंट प्रॉपर आर्टिकलशिप करेगा, भले उसको आर्टिकलशिप में एक्सप्लॉयटेशन होता हो वो अलग बात है, बट फिर भी वो एक्सप्लॉयटेशन करवा करके अपना आर्टिकलशिप कंप्लीट करता है, वो चाहता है करना। तो हम लोग को ग्रीवेंसेस क्या है, लेट अस कम टू द पॉइंट, व्हाट आर द ग्रीवेंसेस। ग्रीवेंसेस है, सबसे पहले आप क्वेश्चन पेपर जो है ना टफ सेट करो, लेकिन सही सेट करो। दूसरा चीज, आप जो पेपर चेकिंग का जो सिस्टम है उसको पूरी तरीके से उखाड़ करके फेंक दो और नया सिस्टम लेकर के आओ। आई एम यूजिंग हार्श वर्ड्स, आई एम नॉट यूज्ड टू इट, बट अब हम लोग एकदम टिप ऑफ द आइसबर्ग पे हैं। तो जो पेपर सिस्टम का जो इवैल्यूएशन का तरीका है उसको आप सही करो। आप बिल्कुल आपने मेजर्स लिया है, आई टोटली अग्री, मेरे बहुत सारे काउंसिल मेंबर्स से बातचीत होता रहता है, आई टोटली अग्री, आपने मेजर्स लिया है। जैसे मेजर्स क्या लिया, आपने बोला कि 30 मार्क्स का एमसीक्यूज रहेगा इंटर लेवल पर और फाइनल लेवल पर सारे थ्योरी पेपर्स में, क्योंकि प्रैक्टिकल में तो फिर भी आपके पास बेसिस रहता है, अच्छा चेकिंग हो जाता है, बट थ्योरी में क्योंकि सब्जेक्टिव पोर्शंस ज्यादा रहते हैं तो एग्जामिनर को पूरा एकदम खुला लाइसेंस मिल जाता है, कैसे भी वो मार्किंग कर देता है। तो आपने एमसीक्यू 30 मार्क्स का सारे थ्योरी पेपर्स में लेकर के इंटर एंड फाइनल, बट अगेन लेजीनेस का भी हद होता है ना, 30 मार्क्स का एमसीक्यू लेकर के आ गया, आपने उस दिन नोटिफिकेशन में क्या बोला था, डिटेल फिल सून फॉलो, वो सून अब 3 महीना हो चुका है, वो सून क्या है आपका, शॉर्टली का डेफिनेशन क्या है, कब आप डिटेल्स देंगे। और एक रिक्वेस्ट है, ये जो 30 मार्क्स का जो आप एमसीक्यू लेकर के आ रहे हैं ना, इसको प्लीज ओएमआर शीट रखिएगा, मैनुअल मत करवाइएगा, लेट इट बी इलेक्ट्रॉनिक ओएमआर शीट। अब जो रिमेनिंग 70 मार्क्स है उसमें, अगर मान लो मेरा बच्चा 30 आउट ऑफ 30 लिया, बट 70 में तो आपका ऐसा चेकिंग होगा कि 5 भी नहीं दिया। तो स्टूडेंट जिन लोग भी ये वाला वीडियो देख रहे हैं, एकदम डिमोटिवेट ना हो, हम आपको सच बताते हैं, लगभग मेरे पास अगर 10 पेपर आता है ना जो आरटीआई के थ्रू खुल करके आता है, जब बच्चा 40 के नीचे पाता है तो आरटीआई के थ्रू पेपर खुलवा लेता है राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट की तरह तहत, और फिर मेरे पास जो पेपर आता है उसमें से 10 में से 7 पेपर जो रहता है ना वो कचड़ा वाला पेपर रहता है, मतलब बच्चा ने आंसर कचड़ा लिखा है इसलिए उसको नंबर नहीं मिला, आई अग्री। बट ऑन एन एवरेज 3 पेपर में ऐसा भी देखता हूं कि जिसमें बच्चा के साथ नाइंसाफी हुआ है, 10 में से 9 अगर आप सही चेकिंग करें और एक भी खराब चेकिंग करें, इट इज नॉट एक्सेप्टेबल, इट इज नॉट एक्सेप्टेबल। हम लोग को यहां पर रमी नहीं खेल रहे हैं, 10 में से 10 को आपको फेयर मार्क्स देना पड़ेगा जितना वो डिजर्व करता है। कोई आपको नहीं बोल रहा पासिंग परसेंटेज बढ़ाओ, नोबडी इज आस्किंग, हैव यू सीन एनी स्टूडेंट बेगिंग फॉर मार्क्स एंड आस्किंग फॉर पासिंग परसेंटेज शुड बी रेज्ड, वी डू नॉट वांट पासिंग परसेंटेज शुड बी रेज्ड, शुड बी मेंटेन हेल्दी बट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ अनहेल्दी चेकिंग, इरेलेवेंट चेकिंग, एब्सर्ड चेकिंग। 10 में से 7 लोग का पेपर मेरे नजरिए में सही चेक होता है, 3 लोगों का पेपर जो है ना उन लोग विक्टिम बन जाते हैं। तो वो 3 लोग, 3 क्या, अगर एक भी होना तो ये एक्सेप्टेबल नहीं है। आपसे नहीं संभाला जा रहा है तो आप एग्जाम्स कंडक्ट करना बंद कर दो, या फिर 100% एमसीक्यू कर दो, फाउंडेशन इंटर फाइनल सारे लेवल पर, एंड लेट द इलेक्ट्रॉनिक चेकिंग टेक प्लेस, जैसा कि बाद बाकी सारे फॉरेन कोर्सेज में होता है, क्योंकि उन लोग से नहीं संभाला जा रहा था इसलिए उन्होंने एमसीक्यू पैटर्न जो है पूरा एकदम सीपीए वगैरह जितना भी एग्जाम्स होता है सब एमसीक्यू बेस्ड। तो वैसे ही आप भी कर लो अगर आपसे नहीं संभाला जा रहा है। आप घर में पेपर दे देते हो, मेरे कई रिश्तेदार हैं जिन लोग के हाथ में पेपर आता है, और मैं जानता हूं उन लोग वर्थ नहीं है पेपर चेक करने के लिए, बट फिर भी उन लोग चेक कर रहे हैं। ऐसा भी कई बार होता है, एक सीए स्टूडेंट भी सामने बैठा हुआ है और उसकी आंटी पेपर चेक कर रही है, और वो सीए स्टूडेंट बोल रहा है अरे ये तो सही लिखा आप काट क्यों रहे, ऐसा भी हुआ है। आप बोलेंगे हम उस स्टूडेंट को लेकर के आ जाएंगे। तो जैसा कि दिल्ली वाले टीचर्स ने सजेशन दिया कि आप सेंट्रलाइज एक हब बनाइए जहां पर एग्जामिनर्स आकर के पेपर चेक करें, वो बिल्कुल सही है, या फिर 100% एमसीक्यू जो जिसके फेवर में मैं नहीं हूं, 100% एमसीक्यू फेवर में मैं बिल्कुल नहीं हूं। वी इंडियन स्टूडेंट्स आर वेरी टफ विच सेपरेट्स अस फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, बट आवर इंडियन इंस्टीट्यूट शुड ऑल्सो बी दैट मच टफ ना। तो प्लीज स्टॉप बिंग एरोगेंट एंड इग्नोरेंट एंड जागिए, आईसीआई जागो, ये देख रहे हैं आप, ये नंबर सोलाई नहीं करेंगे ना।
सर इंस्टीट्यूट के पास फंड्स का कमी होगा। अभी हम आपको बैलेंस शीट खोल करके दिखा रहे हैं, आईसीआई का फंड्स का कमी है इनके पास 1100-1200 करोड़ रुपया रिजर्व एंड सरप्लस में पड़ा हुआ है, आइडल। साल का इन लोग फीस कलेक्ट करते हैं 600-650 करोड़ रुपया। इकतीस मार्च 17 का पोजीशन है, आपके पास रिजर्व एंड सरप्लस 1,13,941। फिगर्स आर इन लैक्स, फिगर्स आर इन लैक्स, तो इसको करोड़ में कन्वर्ट करें तो यहां पॉइंट लगा देते हैं दोस्तों, 1139 लगभग 1200 करोड़, 1200 करोड़ रुपया आपके पास है। किस एंगल से आपको फीस का कमी लग रहा है? आपका इनकम देखिए, ये आपका इनकम है, लगभग 650 करोड़ आप साल का कमा रहे हो, जिसमें से 500 करोड़ रुपया मेरे बच्चे आपको फीस दे रहे हैं एक साल का। फंड्स का तो कमी नहीं है, क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कम हुए तो क्या हुआ, आपने अपना फीस बढ़ा दिया। उसके बावजूद भी अगर आप कंपेयर करेंगे तो डाउन है, कितना भी फीस बढ़ा लीजिए, फीस बढ़ा लीजिए एकदम इनफाइनाइट कर लीजिए, बट जीरो नंबर ऑफ स्टूडेंट अगर जीरो हो जाएंगे तो जीरो ही रहेगा। तो आपके पास फंड्स का बिल्कुल कमी नहीं है, फिर भी हम लोग ये डिमांड नहीं कर रहे हैं कि आप गवर्नमेंट स्कूल्स में एग्जाम मत कंडक्ट करो। आप लोग एग्जाम्स कहां कंडक्ट करते हैं? गवर्नमेंट स्कूल्स, जहां पर फैन तक ठीक से नहीं चलता। आजकल एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली भी एसी अफोर्ड कर लेता है, हम लोग ये सब का तो बात ही नहीं कर रहे। हम लोग एसी फैन बेंच का तो बात ही नहीं कर रहे। जो बच्चा टूटा फूटा बेंच में, टूटा फूटा पंखा में आज तक पढ़ाई नहीं किया, वो आकर के एग्जाम देते हैं, हम लोग उस चीज के लिए तो प्रोटेस्ट कर ही नहीं रहे हैं। वो चीज हम लोग को मैटर ही नहीं करता कि आप अपना पैसा बचाते हैं एग्जामिनेशन सेंटर सस्ता मंदा रख करके, उस चीज के लिए तो प्रोटेस्ट हो ही नहीं रहा। आप एक एग्जामिनर को एक कॉपी चेक करने का 100 रुपीज देते हैं ऑन एन एवरेज, 100 रुपया मेरे पास सारा डेटा है, 100 रुपया ऑन एन एवरेज, फाउंडेशन को उससे भी कम 75 रुपया और इंटर का लगभग 100 रुपया। अब अगर 8 पेपर है इंटर में तो 800 रुपया, ठीक है, 800 रुपया आप एग्जामिनर को दे रहे हैं चेक करने का एक बच्चा के लिए, उससे आप फीस लेते हैं 2600 रुपया, बाद बाकी 1800 रुपया गोल, इसमें भी प्रॉफिट है, जबकि यू आर अ नॉन प्रॉफिट सीकिंग ऑर्गेनाइजेशन। नो डोंट टेल मी 1800 रुपया आपका रेंट लग जाता है गवर्नमेंट स्कूल्स में, जहां पर एसी और फैन तक ठीक से नहीं रहता। इसका तो हम लोग बात ही नहीं कर रहे हैं, ये हम लोग को नहीं चाहिए। जैसे आप बच्चों को एग्जाम कंडक्ट करने के लिए बुला रहे हैं ना, वैसे ही उन लोग का फिर पेपर भी जो है ना एग्जामिनर को बुलाइए। अब और क्या सुधार करना है आपको? सबसे बड़ा सुधार, आज जितने भी काउंसिल मेंबर्स लोग से बात करते हैं ना, सब स्टूडेंट लोगों को मैं अलग अलग सेमिनार्स करते रहता हूं, सेमिनार्स में जब मैं मिलता हूं, इंटरेक्ट करता हूं, या फोन पे इंटरेक्ट करता हूं या बातचीत करके, तो जितने भी काउंसिल मेंबर्स हैं या जितने भी अदर मेंबर्स हैं, स्टूडेंट्स आजकल पढ़ता नहीं है, ट्यूशन का फैन हो चुका है, वो पैरासाइट बन चुका है। स्टूडेंट पैरासाइट बन गया है, किसने बनाया? आपने बनाया। कहां से पढ़ेगा स्टूडेंट? स्टडी मॉड्यूल से। यस, ये हाल है आपका स्टडी मॉड्यूल का। इंटरमीडिएट आपके लिए आपने जारी किया है, ठीक है, न्यू स्कीम एप्लीकेबल मटेरियल फॉर May 2019 एग्जाम। May 2019 के इंटर एग्जाम के लिए मैं अपना सब्जेक्ट दिखाता हूं लॉ का, क्या दिया है आपने? कॉर्पोरेट एंड अदर लॉज जो है, स्टडी मटेरियल पार्ट वन पार्ट टू, बहुत बढ़िया बात है। कब का एडिशन है? July 2017 का। आपको पता नहीं है कंपनी समझ में 2017 आ चुका है, जो कि इस मैट में इनकॉर्पोरेटेड नहीं है। कहां से पढ़ेगा स्टूडेंट? कंपनी समझ में 2017 जो है वो प्रेसिडेंट का असेंट और ओजी में छापा गया था 3 जनवरी 2018 को। आपने पहले छाप रखा है क्या इसमें? आप प्रेसिडेंट से भी आगे हो गए, नहीं है इसमें। तो कहां पर है ये? यहां पर है, ये है ट्यूशन का मैट, यहां पर है, जो मैं अभी दिखाना नहीं चाहता क्योंकि अभी बात कुछ और है। तो आप बोलते हैं ट्यूशन का पैरासाइट हो गया, किसने बनाया? किसने? आपने बनाया। क्यों, कैसे बनाया? आप मई 2019 में एग्जाम कंडक्ट कर रहे हैं और उनको 2 साल पुराना मैट दे रहे हैं, पैसा कम लिए आप क्या? उन्होंने पुराना मैट का पैसा दिया आपको,
दो साल पुराना मैट आप दे रहे हैं, फंड्स का कमी है आपके पास, वापस बैलेंस शीट दिखाएं, और उनको बोल रहे हैं आप आरटीपी पढ़ लो मई 2019 का, जो कि आप लाएंगे दो महीना पहले, तीन महीना पहले। उन लोग पहले ये पुराना गलत पढ़ ले, बिना अमेंडेड वाला पूरा गलत पढ़ ले पुराना, फिर तीन महीना में इन लोग यहां से जो गलत पढ़े उसको सही करें। और आरटीपी का क्या गारंटी आपका सही रहेगा, वो भी तो गलत रहता है। जैसे ये आपने ऑडिट के लिए इस नवंबर 18 के लिए आरटीपी इशू किया, मैं आपको ओपन चैलेंज दे रहा हूं, मैंने इसके ऊपर वीडियो भी बना रखा है, और जो इंस्टीट्यूट की गलतियां हैं वो मैंने ऑफिशियल गैजेट से दिखाई है, जरूर वो मिस्टेक्स इन ऑडिट आरटीपी आप देखें, यूट्यूब में ऑलरेडी अपलोडेड है। रक्षाबंधन वाले दिन मेरे ख्याल से 26 अगस्त था, उस दिन मैंने डाला था, ढूंढ ले, गैजेटे के साथ कंपेयर करके दिखाया कि आपने क्या गलतियां की है। ये डेढ़ पन्ना का नोट्स में ये वाला पॉइंट आपने गलत लिखा है, ये वाला पॉइंट आपने गलत लिखा है, आउट ऑफ 5 पॉइंट्स ये 2 पॉइंट गलत है। कहां से पढ़ेगा आरटीपी से? बेचारा बच्चा रिविजन टेस्ट पेपर रिविजन करने आएगा, जो हम लोग सही पढ़ाए होंगे वो यहां पर पढ़ करके गलत हो जाएगा। आप दो दो साल पुराना मैट दे रहे हैं, आपको तो चाहिए कि आप थ्योरी सब्जेक्ट के लिए मल्टी कलर मैट लेकर के हो, हम लोग अफोर्ड कर सकते हैं, आप नहीं कर सकते हैं। वो रिजर्व सरप्लस का करेंगे क्या आप बिल्डिंग्स बनाते हैं, गवर्नमेंट ग्रांट्स मिलता है, आपको हर चीज में गवर्नमेंट का सपोर्ट है, हम लोग का हर चीज में सपोर्ट रहता है। मैंने वो जो मिस्टेक्स वाले वीडियो बनाया था उसमें मैंने एक बार भी अग्रेसिव शब्द का इस्तेमाल नहीं किया कि चलो ठीक है गलतियां होती रहती हैं, बट कब तक? फिर मैंने ये देखा कि आप ये ज्यादा पुराना नहीं है, इन्होंने 6 सितंबर को ये नोटिफाई किया, 6 सितंबर 2018 कि आप लोग को यहां यहां से पढ़ना है। क्यों पढ़े दो साल पुराना मैट? तो ये सब चीज है। हम लोग को क्या चाहिए आपसे, मैं लिख करके लाया हूं, हम लोग को चाहिए इवैल्यूएशन सिस्टम ठीक करिए, स्टार्टिंग फ्रॉम नवंबर 18 घर में एक भी पेपर जाना नहीं चाहिए किसी भी एग्जामिनर के। दूसरा, जो मई 19 से आपने एमसीक्यू रखा है वो एमआर शीट्स करिएगा, और उसका डिटेल्स कृपया करके दीजिए कि बच्चों को आंसर लिखना है, कैसे लिखना है, क्या रीजनिंग रहेगा, वो सब बताइए। आरटीपी इसको सही बनाइए, रिवीजन टेस्ट पेपर रिवीजन के लिए उसको सीरियसली लीजिए, या फिर इशू करना बंद कर दीजिए, अगर गलत से तो अच्छा ना इशू करें। एग्जाम का क्वेश्चन पेपर सही करेक्ट सेट करिए। आर्टिकलशिप के ऊपर एक अलग इशू है वो बाद में। स्टूडेंट के लिए ओम्बड्समैन बनाइए, स्टूडेंट ओम्बड्स पर्सन इज वेरी इंपॉर्टेंट। डायरेक्टली बीओएस से बात करते हैं स्टूडेंट लोग, उन लोग को रिप्लाई नहीं आता या बहुत एरोगेंट रिप्लाई आता है, इट इज नॉट एक्सेप्टेबल। कोई भीख नहीं मांग रहा आपसे, सबका इज्जत है, हम भी इंसान है, आप भी इंसान है, आप लोग भी इंसान है, स्टूडेंट लोग भी इंसान है, नोबडी सुपीरियर देन एनीवन। तो स्टूडेंट ओम्बड्स पर्सन क्या करेगा, जो स्टूडेंट लोग का साइड लेगा, उन लोग का क्वेरी सुनेगा, जेन्युइन क्वेरीज को फॉरवर्ड करेगा आगे, और अकाउंटेबल बनाएगा, क्योंकि स्टूडेंट सीधा आईसीआई को क्वेश्चन करे ये बहुत खराब है, इससे जो जेन्युइन स्टूडेंट नहीं है उनको भी शामिल जाएगा। तो एक ओम्बड्स पर्सन रखिए बीच में, ताकि वो फिल्टर कर सके जेन्युइन स्टूडेंट्स को फ्रॉम इन जेन्युइन स्टूडेंट्स को। इट इज नेवर एक्सेप्टेबल कि एक स्टूडेंट सीधा आईसीआई के मेंबर्स को अग्रेसिवली क्वेश्चन करे, क्वेश्चन करना हक है, बट अग्रेसिवली अब देख रहे हैं गुस्सा पूरा फूट पड़ा है, इट इज नॉट गुड फॉर रेपुटेशन ऑफ आईसीआई। एक ओम्बड्स पर्सन अपॉइंट करिए। वी आर नॉट आस्किंग फॉर एसी क्लासरूम एग्जाम सेंटर्स बिकॉज वी आर टॉलरेंट इनफ, हम लोग गर्मी धूप सब बर्दाश्त कर सकते हैं। आप टफ से टफ क्वेश्चन पेपर सेट करिए, लेकिन चेकिंग का लेवल भी जो है ना सॉलिड रखिए। अगेन मैं वापस से स्टूडेंट लोग को बता दूं, ये 10 में से 10 बच्चों के साथ ऐसा नहीं होता, बट पॉइंट है कि 10 में से 9 के साथ अगर इंसाफ हो रहा है और एक के साथ भी ना इंसाफी हो रहा है, तो ऐसा बर्दाश्त ना, तो वो एक जन के साथ भी ना हो, इसको हम लोग को एकदम आश्वासन देना है। एंड स्टॉप क्रिटिसाइजिंग स्टूडेंट्स एंड करेक्ट योर मैथ्स एंड एक्सेप्ट योर मिस्टेक्स। थैंक यू। इस वीडियो को स्टूडेंट्स जो है एकदम ना समझे कि हम लोग सब मिल करके आईसीआई का बुरा चाह रहे हैं, नहीं, वी आर ऑल पार्ट ऑफ आईसीआई, हम लोग इंप्रूवमेंट चाह रहे हैं, अभी भी हम प्राउड सीए मेंबर है एंड स्टूडेंट्स भी प्राउड है, इससे अगर आप रेक्टिफाई कर लेंगे तो सबका भला होगा, स्टूडेंट्स का भी भला होगा, और ऐसा नहीं है कि इन जेन्युइन स्टूडेंट्स को सपोर्ट किया जा रहा है। हम अभी भी बोल रहे हैं 10 में से 7 बच्चे जो फेल होते हैं ऑन एन एवरेज,
उनको उतना नंबर मिलता है क्योंकि वो पढ़ाई नहीं करते, बट तीन बच्चे जो मेरे अच्छे हैं उनको फेल ना करें, एक भी बच्चा को ऐसा ना करें, ऐसा सिस्टम फुल प्रूफ बनाए, एंड यू हैव ऑल द रिसोर्सेज, बैलेंस शीट पीएल सब मैंने दिखाया, यू हैव ऑल द रिसोर्सेज एंड यू हैव ऑल द रीजन टू डू दैट। सो स्टूडेंट्स, ये तथ्यों वाला वीडियो था, आप जितना जल्द से जल्द हो सके इसको एकदम आग की तरह शेयर करें, इंस्टीट्यूट के काउंसिल मेंबर्स को टैग करें, ट्विटर में इंस्टीट्यूट को जो है उसको ट्वीट करें और अटैच करें, ओके? और भी अगर आपका कोई सजेशन है तो मेरे को जरूर दीजिएगा। थैंक यू, बाय बाय।